सो टाटा कर्व के बाद कंपनी एक और कॉन्सेप्ट ईवी ले आई है जिसका नाम है टाटा अवेन्या। कंपनी क्लेम करती है कि इसमें मिलेगी आपको 500 किलोमीटर तक की रेंज। गाड़ी दिखने में जितनी स्पोर्टी है उतनी ही एलिगेंट और एडवांस भी नजर आती है। इसके नाम के मतलब की बात करें तो ये संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है इनोवेशन। साथ ही जो अवेन्या में आयन का इस्तेमाल किया गया है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। सो जब नाम में इतनी मेहनत की गई है तो कंपनी ने डिजाइन और फीचर्स में कितनी मेहनत की होगी, यही समझने के लिए हम फिलहाल मुंबई आ गए हैं और जानेंगे बारीकी से इस गाड़ी की हर एक डिटेल को। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपका होस्ट विशाल एंड वेलकम टू हिंदुस्तान। सो शुरुआत करते हैं इसके लुक और डिज़ाइन के साथ। तो गाड़ी जो है वो एक प्रीमियम हैचबैक और एमपीवी का कॉम्बिनेशन नज़र आती है। साथ ही इसे एक एसयूवी क्रॉसओवर का डिज़ाइन भी देने की कोशिश की गई है। बाकी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक दिखने में लगती है। फ्रंट डिज़ाइन की बात करें तो सबसे पहले आपकी नज़र जाती है इसके टी शेप के एक लोगो जैसे दिखने वाले DRL पर, जो कि हेडलैम्प्स का भी काम करते हैं। नीचे आपको कोई खास फ्रंट ग्रिल तो नहीं मिलता, लेकिन एक प्लेन बोर्ड दिया गया है जिसमें छोटे छोटे डॉट्स आप देख सकते हैं। साथ ही एयर इनटेक भी यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए अब इसके साइड से देख लेते हैं गाड़ी कैसी नजर आती है। साइड में आपको मिल जाते हैं 22 इंच के बड़े डुअल टोन अलॉय व्हील जिनको एयरोडायनामिक शेप देने की कोशिश की गई है, लेकिन इनका जो डिज़ाइन है वो मुझे नहीं लगता प्रोडक्शन मॉडल में मिल पाएगा सेम इसी तरह से। बाकी अगर आप और VM को देखें तो इसकी जगह दिया गया है कैमरा दोनों साइड, जिसका डिस्प्ले आपको अंदर मिल जाता है। गेट की बात करें, दरवाज़ों की बात करें तो इस पर बटरफ्लाई डोर्स दिए गए हैं, यानी आगे का दरवाज़ा आगे की तरफ खुलता है और पीछे का दरवाज़ा पीछे की तरफ खुलता है। इस वजह से इसमें बी पिलर भी देखने को नहीं मिलता। इसका फायदा यह होगा कि इसमें आपको अंदर जाने में आसानी रहेगी और रूमिनेस आपको काफी नजर आएगी इंटीरियर में। चलिए अब इसके पीछे की साइड चलते हैं और रियर डिजाइन को भी समझ लेते हैं। सो रियर डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ भी आपको फ्रंट की तरह ही एक टी डिज़ाइन देखने को मिल जाता है जो कि लाइट का काम करता है। विंडस्क्रीन की बात करें तो ये काफ़ी स्लीक है और ब्रॉड भी है। नीचे आपको अवेन्या की बैजिंग देखने को मिल जाती है और उसके नीचे एयर इनटेक दिए गए हैं रियर में भी। सो ये तो रही इसके डिज़ाइन और लुक की बात। इसकी लंबाई की बात करें तो 4.3 मीटर लंबी है जो कि क्रेटा जितनी कहलाएगी। और रूमिनेस की बात करें यानी इंटीरियर स्पेस की बात करें तो वो क्रेटा से कहीं ज़्यादा है। कंपनी तो ये कह रही है कि इसमें सफारी जितना इंटीरियर आपको स्पेस आपको मिल जाएगा। सो ये सब बात हुई इसके एक्सटीरियर की, इसके डिज़ाइन की। अब हम इसके इंटीरियर को भी चेकआउट कर लेते हैं जो इतना ही फ्यूचरिस्टिक नज़र आने वाला है। तो इंटीरियर की बात करें तो यहाँ भी आपको फ्यूचरिस्टिक और एलिगेंट डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करें इसके डैशबोर्ड की तो बाकी गाड़ियों की तरह इसमें कोई टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता। इसमें सिर्फ एक साउंड बार दिया गया है। स्क्रीन की बात करें तो आगे एक स्क्रीन दी गई है, लेकिन वो एक ड्राइवर डिस्प्ले की तरह काम करती है। स्टीयरिंग पर आपको एक और डिस्प्ले दी गई है जिसमें काफ़ी सारे कंट्रोल्स आपको दे दिए जाते हैं। ए प्लस पर भी दो स्क्रीन दी गई हैं जो कि दिखाती हैं, और VM की जगह जो कैमरा दिया गया है उसका व्यू इसमें देखने को मिल जाता है। सीटों की बात करें तो ये रोटेटिंग सीट्स हैं और 90 डिग्री तक ये घूम जाती हैं ताकि आप इजीली गाड़ी में एंटर कर पाएं। दोनों ही सीटों के बीच में आर्म रेस्ट मिल जाता है जिस पर काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, और वहाँ पर आपको एरोमा डिफ्यूज़र भी दिया गया है ताकि आप इसमें बैठ कर एक अच्छा एहसास कर पाएँ। तो ये बात तो हुई फ्रंट सीटों की। अगर हम बात करें रियर सीट्स की तो वहाँ भी अब हम चलकर देखने वाले हैं। सो पीछे आते ही कंफर्ट और भी बढ़ जाता है। जो रियर सीट्स हैं वो काफ़ी चौड़ी हैं और इसमें सोफे जैसा डिज़ाइन दिया गया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट महसूस हो। और आपके कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हर हेडरेस्ट के नीचे एक और एक स्पीकर दिया गया है ताकि आप अपनी अपनी पसंद का कॉन्टेंट सुन पाएँ।
जो डोर हैं वहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, और वहीं पर एसी वेंट्स दिए गए हैं हर पैसेंजर्स के लिए अलग अलग, वहीं पर एसी का टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं और सीट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको पीछे की तरफ मिल जाती हैं। बाकी ओवरऑल देखें तो गाड़ी को काफ़ी लीन और फ्लैट रखने की कोशिश की गई है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल पाए। हालाँकि इसमें एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि बड़ा सा सनरूफ जैसा डिज़ाइन देने की कोशिश की गई है ताकि आपको ज़्यादा रूमिनेस महसूस हो। सो ये था हमारा वॉक अराउंड रिव्यू टाटा अविन्या के बारे में। अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गाड़ी के और बाइक के ज़्यादा रिव्यूज़ के लिए जुड़े रहिए हिंदुस्तान के साथ।